हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन विद द क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ए की पावर 2x प्लस 1 इनटू dx। तो ये जो क्वेश्चन है वो मोर ऑर लेस सिमिलर है जो हमने लास्ट क्लास में आखिरी में किया था, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो पॉज करके तुम लोग एक बार ट्राई करो इसको, ठीक है। अब मैं इसके सोल्यूशन पे आता हूँ। तो देखो, उधर हमने क्या किया था, बेसिकली हमारा उधर इस टाइप का था इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस ए की पावर 2x। तो हमने क्या किया था कि ऊपर f डैश बनाने की कोशिश की थी, उसके लिए हमने e की पावर माइनस 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, या फिर x था तो e की पावर माइनस x है। तो इधर भी हमने क्या किया, e की पावर, एक काम करो, e की पावर x पहले कॉमन ले लो इसमें से दोनों ऊपर नीचे, या फिर ऐसे बोल दो e की पावर x से डिवाइड कर दिया। तो लेट मी डिवाइड विद e की पावर x कॉमन ले लिया, चलो ऐसे बोल दिया। तो ये हो गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x कॉमन लिया, तो इधर बना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब देखो, ऑब्जर्व करो ध्यान से कि अगर नीचे वाले फंक्शन को मैंने f बोला तो ऊपर f डैश दिख रहा है क्या, ऊपर f डैश दिख रहा है क्या, तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो मैंने बोला ये तो कैंसिल हो गया पहले मेरा, ठीक है। तो मैंने बोला e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को अगर मैंने t बोला तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल इनटू dx इज इक्वल टू dt। तो हो गया कन्वर्ट, ऊपर जो लिखा है मेरा वो क्या लिखा है, यही चीज लिखी है ना, f डैश लिखा है। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी विच इज एल एन मॉड टी, क्लियर है। अच्छा, अब कोई सोचेगा नहीं सर ऐसे स्ट्राइक कैसे करेगा, तो देखो जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना वो बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड है। मतलब कहने का मतलब, जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतने तुम्हारे दिमाग में पैटर्न्स बनेंगे। मतलब मैं और कैसे बोलूं, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस्ड चैप्टर है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ऐसे बोल सकता हूँ, दिमाग से ज्यादा इसमें क्या चीज लगेगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस लगेगा, तुमने कितना प्रैक्टिस किया। जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री, जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, बट हाँ ये है कि तुम्हें प्रैक्टिस किए तो तुम्हें जल्दी स्ट्राइक करेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुमने गो थ्रू किया है पहले तो तुम्हें जल्दी स्ट्राइक करेगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलो, तो एक तो तरीका ये हो गया, चलो इसको और एक और अप्रोच से देखते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं, लेट मी रब दिस। देखो अब क्या किया हमने, जैसे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स ये भी एक थंब रूल है कि हम क्या करते हैं जब भी इस टाइप का कोई सिनेरियो होता है। जैसे कहने का मतलब मेरा, लेट्स से मेरे को ऐसा दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, इस टाइप की कोई सिनेरियो दे रखा है, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस करके एडजस्ट करके। जैसे मान लो मैंने तुम्हें इसी का रेंज बोला, तो देर आर वेरियस अप्रोचेस। एक तरीका तो क्या है, इसको y मान के x में क्वाड्रेटिक बनाओ, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करो। एक और तरीका क्या है, सिंपल तरीका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। अब मैं सेपरेट कर दूंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। अब इसका रेंज निकालना आसान हो जाएगा बिकॉज ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होता है, वर्टेक्स इंफिनिटी और अपवर्ड है। तो इसी प्रकार मैंने क्या किया, इधर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश की, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस टू माइनस, इधर मुझे प्लस वन चाहिए तो माइनस वन भी करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर टू एक्स प्लस वन माइनस टू अपॉन e की पावर टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब क्या करें, अब सेपरेट कर दो, तो व्हेन यू विल सेपरेट द टर्म्स इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, सॉरी ये तो हो गया वन डी एक्स, मतलब ये हो गया इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर टू एक्स। तो ये तो एक्स हो गया और ये एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस वन बन गया जो हमारा कल किया था हमने क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या करेंगे इसमें, ई की पावर माइनस टू एक्स कॉमन ले लेंगे, ऊपर भेज देंगे, या फिर ऐसे बोल दो ई की पावर टू एक्स को टी पुट कर दिया, बोथ वे वी कैन डू दैट थिंग, ठीक है। तो इसके बाद आई होप तुम लोग प्रोसीड कर लोगे, ठीक है। क्या करना, ई की पावर टू एक्स कॉमन ले लेना, या फिर ऐसे बोल दो ऊपर नीचे एक ही बार टू एक्स से डिवाइड कर दिया, फिर नीचे वाले को एफ बोलोगे तो ऊपर एफ डैश दिखाई देगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं सब्स्टिट्यूशन के, उसके बाद फिर हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये बोल सकता हूँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के लेक्चर पढ़ने वाले हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैंने दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ये मैंने तुम्हें पहले एक और एक मेथड से ऑलरेडी करा चुका है जिसमें हम यूज किए थे साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला। क्या किया था हमने, साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, ठीक है ना। पहली बात तो मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा एक्स की पावर एन मान के एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, बिकॉज एक्स इज नॉट लीनियर,
मतलब पहले बात मैंने ऐसे बोला था दिस इज नॉट इक्वल टू साइन की पावर 4x/4+c, ये गलत हो जाएगा ठीक है, बिकॉज साइन एक्स इज नॉट लीनियर। तो करेंगे कैसे, इधर साइन क्यूब एक्स की वैल्यू उठा के इन टर्म्स ऑफ साइन 3x इन साइन एक्स वो इधर रख देंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब उससे भी बेटर अप्रोच क्या होगा, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। कैसे करेंगे देखना, मैंने क्या किया, पहले तो देखा साइन डीएक्स के साथ क्या लिखा है, तो डीएक्स के साथ साइन क्यूब एक्स लिखा है, बट पैरेलली मुझे सोचना चाहिए कि साइन डीएक्स के साथ साइन एक्स भी लिखा है एक तरीके से। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स, तो dx के साथ क्या लिखा है, sin x लिखा है। अब मैं पूछूंगा कि भाई sin x जो है वो किसका डेरिवेटिव है, तो आंसर मिलेगा cos x का। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि बचा हुआ जो फंक्शन है क्या वो cos x में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिर हम क्या करेंगे, cos x को t पुट कर देंगे, ये f डैश जनरेट हो जाएगा मेरा। तो क्या किया हमने, sin x को सॉरी cos x को t पुट किया। cos x को क्यों किया, बिकॉज cos x का डेरिवेटिव sin x है, तो sin x dx dt हो जाएगा ठीक है, माइनस प्लस तो एडजस्ट कर ही लेंगे। तो मैंने कहा लेट्स से दिस इज इक्वल टू टी, तो इधर से आया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा अब मैंने बोला इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह सॉरी साइन एक्स डी एक्स की माइनस जी थी, तो ये माइनस और ये डी टी। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, हमें डी एक्स के साथ हमेशा फोकस करना है कि एफ डैश है क्या ठीक है ना, वो किसका डेरिवेटिव है, ये ब्रह्मास्त्र है इसके लिए। तो मैंने लिखा माइनस और ये हो गया एक्स का हो गया टी माइनस टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, बट टी में नहीं छोड़ूंगा, अगेन क्या करूंगा इसको इसमें लिख दूंगा। क्या होता है जनरली, मैं इसलिए बार बार इस पर स्ट्रेस देता हूं, आखिरी में जो वेरिएबल तुमने यूज किया ना उसको रख देना। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अपने जेई में, क्योंकि जेई में तो ऑप्शन रहेंगे तो तुम्हें देखेगा उधर टीवी तो होगा नहीं एक्स ही होगा, दिक्कत कहाँ होगी तुम्हें बोर्ड में। अगर बोर्ड में तुमने यहां तक छोड़ दिया तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, ये नहीं बोल रहा पूरे मार्क्स बिल्कुल जीरो मिलेगा, नहीं यहां तक के मार्क्स मिलेंगे, बट इसको तुमने नहीं लिखा तो एक या दो मार्क्स जो भी उसका पैटर्न होता है उसका फिक्स रहता है तो वो कट जाएगा तुम्हारा मार्क्स। तो इसलिए कभी भी इस फॉर्म में मत छोड़ देना कॉस एक्स, इधर टी की वैल्यू इधर उठा के रख देना ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, चलो अब मैंने बोला देखो चलो इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर 5x इंटू sec x dx, सोचो ये वीडियो पॉज करके एक बार सोचो क्या करें ठीक है। चलो अब मैं इसका डिस्कशन लेता हूं, तो मैंने बोला पहले dx के साथ क्या लिखा है, तो dx के साथ सबसे पहला दिमाग में आएगा sec x लिखा है, तो फिर देखा sec x किसका क्या बोलते हैं किसका डेरिवेटिव होता है, तो ऐसे डायरेक्ट तो किसी का नहीं होता, होता होगा लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड टेबल है उसमें तो हमें नहीं पता ठीक है ना। हाँ लेकिन sec x into tan x होता है, तो क्या किया इधर से एक tan x इसको दे दिया, तो क्या किया हमने इसको इधर तो मैंने लिख लिया 10 की पावर 4x और इधर लिख लिया sec x tan x, अभी ऊपर लिखा है और ये लिखा है एग्जैक्टली सेम है, अब मुझे मिल जाएगा। अब क्या करूं, अब मैंने बोला कि ये किसका डेरिवेटिव है sec x का, क्या रिमेनिंग फंक्शन sec x के टर्म्स में लिखा हो सकता है, तो आंसर मिलेगा यस बिल्कुल। इसको क्या लिखेंगे हम sec square x minus 1 का होल स्क्वायर, तो बस कर दिया खत्म, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो मैंने लिखा इसको sec square x minus 1, ये तो tan square x होता है बट इसका स्क्वायर बोला है तो इसका स्क्वायर चलो भाई, और इधर लिख लिया sec x tan x dx। अब क्या करूं sec x को t पुट करो, तो मैंने लिखा sec x इज इक्वल टू टी, तो इधर से मेरा आया sec x tan x dx इज इक्वल टू d ऑफ t। अब हम इसमें रख देते हैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी टी, बस अब ये तो कर लोगे। अब इसको भी डायरेक्टली मत कर देना, नहीं तो अभी भी बच्चे लोग क्या करेंगे इसको, जो मैं पहले वो बता रहा हूं जो गलत करेंगे, इसको टी स्क्वायर माइनस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 विच इज रॉन्ग, बिकॉज टी स्क्वायर माइनस वन लीनियर थोड़ी एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्या करें पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला, दैट इज टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt। अब सेपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा t की पावर 5/5 माइनस 2t क्यूब बाय 3 प्लस 1+c, बस अब t की जगह तुमने जो पुट किया था वो इधर रख दो तो आंसर आ जाएगा हमारा ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लो तुम एक मिनट के लिए जो साइन क्यूब एक्स वाला किया था वो हमने क्या बोलते हैं उससे किया था, पहले सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से किया और आज की सॉरी सबसे पहले हमने डायरेक्टली किया था साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला यूज करके, और आज की क्लास में हमने क्या किया सब्स्टिट्यूशन से किया, तो साइन क्यूब
का इंटीग्रेट जब कर रहे थे वी हैव बोथ द ऑप्शंस विद अस, बट एक मिनट के लिए मैंने मान लिया, लेट से मेरे को ये दिया है साइन की पावर 5x dx, अब क्या करोगे? अब हमें साइन 5x का फॉर्मूला तो नहीं पता स्टैंडर्ड, तो या तो एक तरीका ये है कि उसका डेरिवेशन करो पूरा, तो वो तो हालत खराब हो जाएगी, तो बेटर क्या होगा इधर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इधर हमारा फिर वो जैसे साइन क्यूब एक्स में तो क्या हो गया था, हमारा काम चल गया था बिकॉज हमें साइन 3x का फॉर्मूला स्टैंडर्ड होता है, बट साइन 5 ये साइन की पावर 5x किस में आएगा, साइन 5x के फॉर्मूले में आएगा साइन की पावर 5x, ठीक है ना, दैट यू कैन ड्राइव, बट वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे इसमें अगेन सब्स्टिट्यूशन, तो क्या करें, पहले तो मैंने लिखा dx के साथ क्या लिखा है, एक साइन x को भेज दिया, तो ये हो गया साइन की पावर 4x और ये साइन x dx, अब ये sin x इसका डेरिवेटिव है cos x का, क्या रिमेनिंग फंक्शन cos x में लिखा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसको क्या लिखूं 1 minus cos square x का whole square, तो just like the previous one, तो ये हो गया 1 minus cos square x का whole square sin x dx, बस अब क्या करो cos x को t put कर दो, तो minus sin x dx will be dt, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया 1 minus t square का whole square into sin x dx, तो ये हो गया minus dt, बट इसको ओपन कर लो, तो माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डीटी, तो बस 1 का हो गया टी, टी की पावर 4 का टी की पावर 5/5, इसका माइनस 2 टी क्यूब बाय 3, फिर टी की जगह तुम क्या रखोगे कॉस एक्स जो तुमने माना था, क्लियर है बच्चों? चलो तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे हमारे, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, इसमें तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बहुत, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते, टॉपिक लिख लो इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स, ठीक है ना, क्या है पहले समझते हैं इसको, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैंने लिखा इसका डेरिवेशन के साथ देखते हैं, ठीक है ना, तो मैंने लिखा कि अगर हमारा ऐसा होता था f into g का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, पहले डिफरेंशिएशन में जो हमने प्रोडक्ट रूल लिखा था उससे इसका डेरिवेशन होगा, मैंने लिखा f into g दो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव, डैश मींस डेरिवेटिव, इसको क्या लिखते थे हम f dash g plus g dash f, ठीक है, अब क्या किया इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को इस साइड लेके आए, तो लेट से मैं इसको लेके आया, किसी भी एक को ले आओ, तो मैंने कहा एक साइड ये रखा और बाकी दो एक साइड रखे, तो लेट से f डैश g इज इक्वल टू f इंटू g, इसका डेरिवेटिव माइनस, एक मिनट, हाँ माइनस g डैश f, कोई दिक्कत नहीं ना, ये वाला टर्म बस मैं इधर लेके आया हूं, फिर उल्टा करके लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, अब क्या कर रहे हैं हम, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं क्या कर रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है ना, वो होता क्या है जब अभी आएगा, क्लियर होगा, डोंट वरी, फिर मैंने इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिख दिया मान लो, चलो लो लेट्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, अब क्या करें, ये तो मैंने ऐसे लिख रहने दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जी इज इक्वल टू, अच्छा एफ इंटू जी का डेरिवेटिव फिर उसका इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आएगा बेसिकली एफ इंटू जी आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एफ, अब देखो इस फॉर्म में याद नहीं रखेंगे, अभी मैं बताऊंगा किस फॉर्म में याद रखेंगे, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला एक मिनट, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेट, हाँ मैंने बोला इसको एक मिनट के लिए मैंने फर्स्ट फंक्शन बोला, वन बोला, और इसको मैंने बोला लेट से सेकेंड, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माई सेकेंड फंक्शन, तो बेसिकली ये क्या लिखा है, ये तो मेरा क्या लिखा है फर्स्ट फंक्शन लिखा है, ये क्या लिखा है f, अगर मैंने f डैश को सेकंड सेकंड मतलब कोई भी नाम दे दिया, लेट्स से सेकंड बोल दिया, तो व्हाट इज f, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, अब मैंने बोला ये मेरा g, g डैश क्या होगा, अगर 1 को मैंने g बोला है तो g डैश क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव होल इंटीग्रेशन ऑफ, और f क्या होगा मेरा, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अभी मैं इस फॉर्म में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यही फॉर्म यूज होने वाला है, यही फॉर्म यूज होने वाला है, ठीक है, तो इसको भी एक और फॉर्म में लिख लेते हैं, इसी फॉर्म में अलग से लिख लेते हैं, तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार इसको कॉपी करो, ठीक है, बहुत जगह यूज होगा, मतलब 50% से ज्यादा क्वेश्चन में बाय पार्ट्स यूज होगा पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर में, ठीक है ना, इसलिए एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, चलो तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं देखना, ये फर्स्ट और सेकंड यूज करके लिख रहा हूं इंस्टेड ऑफ एफ एंड जी, तो मैं लिखा इंटीग्रेशन ऑफ
फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिखा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये आ जाएगा हमारा dx, दैट्स इट। ये लिखा है ऐसे लिखा, चलो इसको भी dx लिख लो, और ये dx, तो ये हमारा हो गया बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब फर्स्ट सेकेंड फंक्शन क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा, अभी मैं एग्जांपल लूंगा, ठीक है ना, अभी एग्जांपल लूंगा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो तुम इसको 10 बार मन में बोल लो, 10 बार, जैसे हम प्रोडक्ट रूल को बोलते हैं u into v is what u dash v plus u v dash, उसी तरीके से इसको 5 से 10 बार मन में बोल लो, एकदम टेक्स पे हो जाना चाहिए। ऐसे रीड करना, ऐसे रीड करके मन में रीड करना, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, चलो लिख भी लो इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू, मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिखवा रहा हूं, इंटू सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसको याद कर लो। और ये जब मैंने लिखा ना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस कंप्लीट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये कंप्लीट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का कंप्लीट इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। तो इसको 10 बार मन में बोल लो, ट्रस्ट मी, जब भी आगे एकदम फ्लो में जाओगे, ठीक है, वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करने के बाद मन में बोलो 5 से 10 बार। अब हम इसके इलस्ट्रेशन पे आते हैं, इसमें भी क्या है, तीन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं जनरली माय पार्ट्स में, ठीक है ना, हम तीनों कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, चलो जैसे मैंने लिया पहला एग्जाम्पल, देखना सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लेट से e की पावर 2x, ठीक है, चलो अब मैंने कहा कैसे क्या करें हम इसमें, तो अगेन अब मेरे को एक बार फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना, इधर एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसे याद रखना है। मैंने बोला अब मेरे को चूज करना है कि फर्स्ट फंक्शन मैं किसको लूं और सेकंड किसको लूं, तो क्या दिमाग में आएगा, वीडियो पॉज करके सोचो कि क्या मैं क्या किसको फर्स्ट फंक्शन लू किसको सेकंड फंक्शन लू, जस्ट थिंक इट, इसका भी एक रूल है, स्टैंडर्ड रूल है, वो लिखवाऊंगा अभी, पहले 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद उनको लिखवाऊंगा, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम वो लिखेंगे कि रूल क्या है, हम किसको फर्स्ट फंक्शन माने किसको सेकंड फंक्शन माने। तो देखो इधर आता हूं मैं, देखो कहने का मतलब, देखो इस वाले टर्म में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिस इज सिंपल टर्म, ऐसे लिख लो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। मेन क्या है हमारा ये वाला टर्म, देखो अब कहने का मतलब मैंने दिक्कत क्यों बोला इसमें दिक्कत नहीं आई, अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है, तो फर्स्ट फंक्शन तुम इसको मानो इधर लिख लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला टर्म तो तुम फर्स्ट इसको मानो या फिर फर्स्ट इसको मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर सॉल्वेबल, मेन है इसके हिसाब से जजमेंट होगा कि फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने। अब देखो अब सोचो कि अगर मैंने सेकंड इसको माना सेकंड, एक मिनट के लिए जो रॉन्ग है पहले वो बता रहा हूं, मैंने माना अगर इसको मैंने सेकंड माना इसको फर्स्ट माना, एक मिनट के लिए सुनना, तो बेसिकली इधर क्या जनरेट होगा, पहले इंटीग्रेशन के अंदर ये चीज जनरेट क्या होगी, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ठीक है e की पावर 2x का डेरिवेटिव लिख लेंगे हम, ये फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x2/2, तो ये कैंसिल, तो इस इंटीग्रेशन के अंदर ये बचा, अब ये अपने आप में फिर वही इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, फिर उसमें दोबारा बाय पार्ट्स लगाओगे तो कुछ सोचो फिर दोबारा लगाओगे, अगर दोबारा तुमने इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माना इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो इसका फिर जो उसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें दोबारा x स्क्वायर का डेरिवेटिव से सॉरी इंटीग्रेशन से x³/3 बनेगा, तो ये तो और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, मतलब x की पावर बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है क्या करें हम, अब उल्टा करें, उल्टा करने में क्या किया मैंने, फर्स्ट को इसको फर्स्ट फंक्शन माना इसको सेकंड,
ऐसा करने से क्या होगा, देखो इजी चीज क्या हो जाएगी इसमें, देखो मैंने बोला इस पार्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो सिंपल है। अब इसमें क्या होगा ना, जब फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखोगे तो हमारा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, तो वन तो गायब हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन विच इज टू ई की पावर टू एक्स, तो ये तो सॉल्वेबल हो गया, सॉल्वेबल हो गया। इसका मतलब क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला इसका, कि मतलब हम फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट कैटेगरी के, इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन हम इस एक्स को क्यों मान रहे हैं, द रीजन इज कि वो खत्म हो रहा है, इट इज गेटिंग डिमिन, मतलब ये खत्म हो रहा है सेकेंड इंटीग्रेशन के, सेकेंड इंटीग्रेशन वाले पार्ट में, समझ में आया। तो क्या करें, अब लगा देते हैं एक बार, अभी डोंट वरी, अभी इतने कुछ मैं कराऊंगा कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहना, ठीक है ना। चलो अब मैंने बोला इसको माना, तो अब मैं लिख रहा हूं फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर टू एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टू एक्स डी एक्स, तो ये तो हो गया एक्स, तो ये आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टू एक्स इज ई की पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसका इंटीग्रेशन अंदर वाले फंक्शन क्या हो गया e की पावर 2x का, e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 dx, अब दोबारा इधर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो x e की पावर 2x बाय 2 माइनस 1 बाय 2 ये बाहर आ गया, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन अगेन e की पावर 2x बाय 2 प्लस c, तो हो गया हमारा इसका आंसर, ये आ गया, समझ में आया। अभी आएगा और भी आएगा, अभी देखो अभी और एग्जांपल करते हैं, तो पहले वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो, ठीक है। चलो अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं देखना, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं माइन्यूट सा। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को, एक्स को सिंपली एक्स ले लिया, सॉरी एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, तो एज अ सेपरेट क्वेश्चन ही लिखना है इसको, मैंने बोला इसको एक मिनट के लिए एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब लगाते हैं दोबारा, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसको मैं फर्स्ट ही मानूंगा, मेरे को डिफरेंशिएट करने से क्या होता है बेसिकली एल्जेब्रिक को पावर कम होता जाता है ना, ये फैक्ट मैं यूज कर रहा हूं, तो इसको मैं, क्योंकि उधर क्या आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ना, डेरिवेटिव जिसका आ रहा है वो मैं एक्स स्क्वायर को मान रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर कम हो जाएगा। अब देखो अब इसमें क्या होगा, तुम्हारा पहला इंटीग्रेशन तो ठीक है वो तो सिंपल है, जो दूसरा वाला पार्ट आएगा उसमें क्या होगा, क्या जनरेट होगा, कुछ सोचो, डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटू इंटीग्रेशन, इससे क्या होगा, एक्स इंटू ई की पावर टू एक्स टाइप की चीज जनरेट होगी, फिर क्या करना पड़ेगा, उधर दोबारा बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, मतलब हम जब तक लगाते जाएंगे जब तक ये पूरी पावर खत्म नहीं हो जाती, समझ में आया। देखो मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऐसे लगाना है मुझे, तो फर्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टू एक्स ई की पावर टू एक्स बाय टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टू एक्स बाय टू डी एक्स, ये टू से टू कैंसिल, तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद दिस। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो अब इधर क्या बोलूंगा, अगेन इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन। अच्छा एक चीज और, उल्टा मत कर देना, मान लो ठीक है तुमने पहले पे लगा दिया इसको फर्स्ट इसको सेकंड, अगर मान लो इधर तुमने उल्टा कर दिया इसको, अब उल्टा कर दिया मतलब इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया, तो कहीं नहीं तो घुमा फिरा के यहीं आ जाओगे, ठीक है ना, इसलिए ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली तुमने क्या किया, पहले ऐसे गए फिर उधर ही आ गए दोबारा, तो वही चीज आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। चलो मैंने देखा एक्स स्क्वायर ई की पावर टू एक्स बाय टू माइनस, अब चलो इसके इंटीग्रेशन पे आते हैं, तो क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर टू एक्स बाय टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन इसका इंटीग्रेशन ई की पावर टू एक्स बाय टू डी एक्स, तो देखो हो गया सॉल्व, इसका तो इंटीग्रेशन आसान हो गया। तो कि कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन क्या हो गया उसका एक लेवल अहेड, उधर हमने एक बार बाय पार्ट्स पे हमारा हो रहा था कंप्लीट, इधर हमने दो बार बाय पार्ट्स लगाया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर टू एक्स बाय टू, अभी इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है ना, इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, माइनस एक्स ई की पावर टू एक्स बाय टू, और ये हो गया प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ई की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन इज ई की पावर टू एक्स बाय टू, और टू ऑलरेडी है, तो ये हो गया वन बाय फोर, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। चलो ऑब्जर्व करना अच्छे से, अभी मैं कुछ कंक्लूड करने वाला हूं, ठीक है ना, नोट्स के फॉर्म में कि हम बाय पार्ट्स कब सोचेंगे, कब लगाए हम, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल की जगह मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल की जगह मैं ले लेता हूं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, तो लेट से मैंने ले लिया, पहले वो एक एक, एक, एक स्टेप चल रहे हैं, तो पहले एक्स के साथ लेते हैं, तो एक्स के साथ मैंने लिया पहले, तो लेट से साइन एक्स,
डीएक्स, ठीक है ना। मैं एक एक स्टेप इसलिए जा रहा हूँ स्लोली स्लोली, तो तुम्हारी अपने आप थ्योरी बनती जाएगी कि हाँ भाई हाँ कब लगा रहे हैं, ठीक है ना, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन फर्स्ट। चलो तो अगेन क्या करें, बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानो, तो हमारा अभी तक का दिमाग में क्या बन गया, दो प्रीवियस दो क्वेश्चन देखे क्या पैटर्न बन गया दिमाग में कि भाई हम डिफरेंशिएट उस फंक्शन को करेंगे जो खत्म होने वाला, जिस जो खत्म हो सके, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है साइन एक्स तो कभी खत्म नहीं होगा, इसको बार बार डिफरेंशिएट करते जाओ तो कॉस साइन होता रहेगा, बट हाँ एक्स खत्म हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इसको माना, इसको सेकंड फंक्शन। और वैसे मैंने बोला क्या रूल भी है, बट वो कभी काम नहीं आता, ठीक है ना, वो डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन देके इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि अपने आप क्लिक कर जाएगी, फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, ठीक है। और ऐसा भी होगा कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अभी मैं बताऊंगा कि जिसमें फर्स्ट इसको मानो सेकंड इसको मानो तो भी आंसर आ जाएगा, चाहे उल्टा कर दो तो भी आ जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लिखा, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, तो माइनस इधर चला गया, ये कॉस एक्स हो गया dx, तो खत्म इसी स्टेप में, क्योंकि माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विच इज साइन एक्स प्लस सी। अब तुम क्या कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करो, पक्का x sin x आएगा 100%, ठीक है ना, दैट इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑप्शन में जैसे मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन का, ठीक है, और तुम्हें स्ट्राइक नहीं कर रहा, ठीक है, तुमने सारे मेथड्स लगा के देख लिए या नहीं स्ट्राइक कर रहा कि कैसे सॉल्व करें, तो यू कैन गो बाय ऑप्शंस आल्सो, बिकॉज जो इसका इंटीग्रेशन ये है, ये ऑप्शंस में लिखा है, तो पक्का इसका डेरिवेटिव हमारा क्वेश्चन आ जाना चाहिए, जो भी इंटीग्रेंड है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द वे टू वेरीफाई, ठीक है ना। अगर मान लो, वैसे तो वो लेंथी प्रोसेस होता है बिकॉज चारों ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना फिर देखना, तो थोड़ा बल्कि हो जाता है, बट ठीक है, अगर मान लो नहीं आता है तो मैं इंटीग्रेशन नहीं क्लिक कर रहा कैसे करें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है ना, हमने सारे कैटेगरी कर लिए फिर भी एक आध ऐसा आ गया जो हम नहीं स्ट्राइक कर रहे हैं, तो यू कैन गो बाय ऑप्शन ऑल्सो, यू कैन डिफरेंशिएट द ऑप्शन एंड सी की इंटीग्रेंट कहां से आ रहा है, ठीक है, ठीक हुआ। चलो इसी को अपन एक स्टेप अहेड बढ़ा लेते हैं, इसको एक स्टेप अहेड करके क्या करते हैं, एक्स की जगह अब मैं थोड़ा अलग ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर अकेला नहीं ले रहा हूं, थोड़ा एक स्टेप अहेड मैंने लिखा इसको, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 3x ले लिया इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, चलो साइन एक्स को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, साइन 2x dx कर देते हैं, ठीक है। चलो अब अगेन वही चीज, तो मेरे को दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई देखो फर्स्ट फंक्शन इसी को मानेंगे, क्यों, बिकॉज ये एक बार डिफरेंशिएट करने पे तो खत्म नहीं होगा, लेकिन दो बार डिफरेंशिएट करने पे तो खत्म हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारा दो बार बाय पार्ट्स लगेगा, लेकिन अगर इसको फर्स्ट माना, इसको इंटीग्रेट किया, इसको सेकंड माना, तो ये तो पावर बढ़ती जाएगी इंटीग्रेट होने के बाद, एक्स की पावर बढ़ती जाएगी, तो और बढ़ता जाएगा, इंटीग्रेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, क्या हमने फाइनली इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन 2x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 2x प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अगेन माइनस कॉस 2x बाय 2 आएगा, तो ये प्लस हो गया कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, 1 बाय 2 को बाहर लिख लिया, दिस इज dx। अब क्या करें, अगेन बाय पार्ट लगाते हैं, किसमें, इस वाले फंक्शन में, और अब मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड मानूंगा, और मैंने दोबारा बोल रहा हूं उल्टा मत कर देना, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानोगे तो दोबारा इधर ही आ जाओगे, करके देख लेना एक बार, ठीक है, यू कैन ट्राई एक बार फील के लिए वो क्या रहा एग्जैक्टली। चलो तो इसको मैंने लिखा माइनस कॉस 2x by 2 into x square plus 3x plus 1 by 2 times, अब ब्रैकेट लगाया 2x plus 3 first का derivative first function, तो 2x plus 3 into integration of second, cos 2x का integration is minus of sin 2x by 2 minus whole integration of first का derivative which is 2 integration of cos 2x is minus sin 2x by 2 sorry cos 2x का integration is, एक मिनट इधर गलत लिख दिया ना, just a minute, ये गलत लिख दिया ना, ये प्लस होगा, ऊपर साइन का था ना इसलिए माइनस कॉस आ रहा था, तो एक जस्ट लेट मी 1 बाय 2 फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस 2x का बिल्कुल करेक्ट है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस अगेन साइन 2x बाय 2 dx, तो देखो खत्म हो गया, ये सिंपल हो गया, बस अब अगले स्टेप में क्या कर लेना, साइन 2x का इंटीग्रेशन व्हिच इज माइनस कॉस 2x बाय 2, क्लियर है, वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो तो अभी के अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखे उसमें तुम्हारे दिमाग में क्या आया, मतलब
क्या आया से मेरा मतलब है कि कब हमें बाय पार्ट्स का सोचना चाहिए, ये लिखो अपने नोट्स में। मैं तो बता रहा हूं, अभी बताऊंगा, तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार ये लिखो कि हमें बाय पार्ट्स कब लगाना है। एक एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक मिनट, एक काम करो, एक मिनट, एक नोट और एक वो रूल और बता दूं, उसके बाद ये चीज लिखना, ठीक है ना। पहले तो मैं रूल लिखवा देता हूं कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं और सेकंड किसको मानते हैं विद दिस रूल। रूल मतलब क्या, सिंपल सी चीज है, देखना क्या लिख रहे हैं। आई एल ए टी ई, इसको रीड करते हैं, आई लेट, वेयर आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिख लो इसको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए स्टैंड्स फॉर एलजेब्रिक, एलजेब्रिक फंक्शन। टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक ना। दिस इज द रूल कॉल्ड आईलेट रूल, किसलिए यूज होता है, टू डिसाइड कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने या सेकंड किसको माने, ठीक है। तो एक मिनट के लिए हमने जो एग्जांपल लिया था उसके थ्रू देखते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे मैंने इंटीग्रेशन पहले लिया था x into e की पावर x टाइप का, ठीक है ना, ये हो गया मेरा एलजेब्रिक और ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल। इसमें मैंने क्या किया था, फर्स्ट फंक्शन इसको माना था, इसको सेकंड माना था। दूसरा ले लेते हैं, मैंने लिखा था लेट से x into sin x, ये हो गया एलजेब्रिक, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें मैंने फर्स्ट फंक्शन इसको माना था, सेकंड इसको माना। तो इनके बेसिस पे अब मैंने बोला कि लेट्स से मैंने बोला कि ऐसे जा रहा हूं मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो फर्स्ट फंक्शन को चूज करने की प्रायोरिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जस्ट थिंक इट दैट वे। देखो जैसे हमारा एलजेब्रिक ये और एक्सपोनेंशियल ये, तो कौन ऊपर है, एलजेब्रिक ऊपर है, एलजेब्रिक ऊपर, ऐसे जा रहा हूं तो मैं क्या हो रहा है, इसको मैंने फर्स्ट माना है, तो क्या बोल सकता हूं मैं, ऊपर जाने पे फर्स्ट फंक्शन की प्रायोरिटी इंक्रीज होगी। ये तो याद करने वाला फॉर्म हो गया, बट मैंने बोला इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी देखो मैं सिंपल सी बताऊंगा, मैंने बोला पहले तो लिख लो इसको, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंक्रीजेस अपवर्ड। समझ में आया, अगर इस टाइप के फंक्शन दे रखे हैं तो हम इनमें देखेंगे ऊपर कौन आ रहा है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक रीजन तो ये हो गया कि रट लिया हमने, और एक सिंपल आईक्यू से बोल सकते हैं कि कुछ सोचो, अगर मान लो मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर एक इनवर्स आ जाए, लेट्स से साइन इनवर्स एक्स, और एक कोई भी आ जाए, लेट्स से मैंने लिखा एक्स ही मान लो, तो क्या करें हम विदाउट रूल दैट। तो ऑब्वियस ही बात दिमाग में आएगी भाई, जब हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो हम डिफरेंशिएट किसको करते हैं, फर्स्ट को, इंटीग्रेट किसको करते हैं, सेकंड को। तो कुछ सोचो, अगर तुमने इसको सेकंड मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो इसका इंटीग्रेशन पता है क्या, ऑफ कोर्स नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो ये एक सिंपल मेथड हो गया कि हम अपने ऑब्जर्वेशन से बता देंगे कि भाई हाँ हमें इसको फर्स्ट मानना ही पड़ेगा, इसी को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इसी ही को डिफरेंशिएट कर पाएंगे अगर इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने से प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं, वो अपने आप इस रूल में बैठेगी, सेटिस्फाई होगी जो हम बोलेंगे। तो देखो इसके हिसाब से मैंने बोला ऊपर जाने पे प्रायोरिटी इंक्रीज होगी फर्स्ट फंक्शन को चूज करने वाले, फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो इनवर्स की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, तो इनवर्स अगर किसी के साथ आ गया तो पक्का 100% उसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। सिमिलरली लॉग आ गया तो लॉग को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। मतलब कहने का मतलब इन दोनों का कंक्लूजन क्या है कि देखो इनवर्स और लॉग है, देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्रिएट ज्यादा, मेन आती है ये दोनों फंक्शन आ जाते हैं ना इंटीग्रेशन में, तो थोड़ी दिक्कत आने लगती है। तो इन दोनों को देखते से ही, लॉग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते से ही एकदम झटके में क्लिक करना चाहिए कि भाई इसको तो हमें फर्स्ट फंक्शन मानना ही है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आसान होता है, और आसान भी होता है, प्लस दूसरा रीजन क्या है, देखो तुम्हें क्या मिलेगा जनरली क्वेश्चंस में, इनवर्स के साथ एलजेब्रिक मिलेगा, सुनना ध्यान से पहले बात, ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस में। मोस्टली क्या मिलेगा, इनवर्स के साथ या तो एलजेब्रिक मिलेगा या इनवर्स के साथ लॉगरिथमिक मिलेगा, ये भी मिल सकता है, बट मैं एक मिनट एलजेब्रिक के लिए बता रहा हूं। तो आप क्या करो, तुम मन में ये सोचो कि अगर हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला, दैट शुड बी देयर इन द माइंड बिफोर राइटिंग दैट स्टेप। मतलब मैंने क्या बोला कि तुम्हें एक दो स्टेप अहेड सोचना है क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले, कि भाई मेरा इसको अगर मैंने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो आगे मेरा क्या बनने वाला है, ये दिमाग में पहले बनना चाहिए तुम्हारे,
उसके बाद तुम्हें प्रोसीड करना है, ऐसे नहीं कि रैंडमली उठाया क्वेश्चन और इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया और करते गए देखते क्या आता है। देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऐसा करना पड़ सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट वी विल सी क्या कि एक दो स्टेप अहेड कि भाई इसका आगे जाके क्या बनने वाला है। स्पेशली जब हम जो बायपास लगाते हैं उसमें जो दो इंटीग्रेशन आते हैं उसमें तुम्हें ये तो ठीक है सिंपल होता है, इसमें इसको देखना है कि ये जो फंक्शन है इंटीग्रेट करने के बाद क्या बन रहा है अंदर। मतलब ऐसा आता है ना इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, तो ये देखना है कि ये चीज क्या बनेगी, क्या वो इंटीग्रेबल होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बायपार्ट्स में क्या है तुम्हें एक स्टेप अहेड सोचना है करने के पहले कि भाई क्या बनने वाला है आगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखना और क्लियर हो जाएगा, मैंने बोला इसमें अगर मैंने इसको फर्स्ट माना तो ठीक है पहला इंटीग्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं होती, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये तो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू आ जाएगा। अब ये सोचो कि सेकंड वाला इंटीग्रेशन क्या बनेगा, क्या बनेगा। देखो एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो अलजेब्रिक ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर बाय टू मतलब जो भी कॉन्स्टेंट को हटाओ एक्स स्क्वायर टाइप की चीज बनेगी। मैंने बोला इसके डेरिवेटिव से क्या बनेगा, ये इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा अलजेब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा कुल मिला के जो सेकंड इंटीग्रेशन होगा इधर प्योर अलजेब्रिक आएगा, प्योर अलजेब्रिक। और ठीक है प्योर अलजेब्रिक हो गया तो फिर हम डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या बोला मैं। तो अब एज अ नोट लिखते हैं हम जो भी अभी सीखे उसके ऊपर, फिर अभी सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देंगे। अभी हमारा केवल फर्स्ट कैटेगरी हुआ है, फर्स्ट कैटेगरी हो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इन बायपार्ट्स। अभी दो कैटेगरी और बची है और उसके बाद एक शॉर्टकट बचा है फॉर स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें अलजेब्रिक इन्वॉल्व होता है वो तीनों करेंगे। तो बिफोर दैट अब नोट के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले तो तुम खुद से एक बार वीडियो पॉज करके लिखो कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, कब हम बायपार्ट्स लगाएंगे। अब मैं बता रहा हूं ठीक है। तो पहला चीज बायपार्ट्स कब लगाएंगे, जब हमारे पास डिससिमिलर फंक्शन हो। इंपॉर्टेंट याद रखना डिससिमिलर फंक्शन हो। डिससिमिलर से मेरा मतलब क्या है, एक अलजेब्रिक एक इनवर्स या फिर एक लॉग एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक एक्सपोनेंशियल या एक कुछ इस टाइप से। तो पहला इंपॉर्टेंट नोट वेरी इंपॉर्टेंट कि बायपार्ट्स विल बी यूज्ड व्हेन वी हैव टू इंटीग्रेट डिससिमिलर फंक्शंस। लिख लो बायपार्ट्स विल बी यूज्ड फॉर मेनली फॉर डिससिमिलर फंक्शन, डिससिमिलर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी तुम्हें इंटीग्रेंड में अगर दो डिससिमिलर फंक्शन देख रहे मतलब कि अलजेब्रिक एक टर्म में, तो 90% चांसेस है कि बायपार्ट्स से सॉल्व हो रहा होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने बोला इन दोनों फंक्शन को देख के, कभी भी लॉग के अंदर इनवर्स और लॉग आ जाए तो यू शुड थिंक ऑफ बायपार्ट्स। क्यों, क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट करके हम प्योर अलजेब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा अगले स्टेप में। लिख लो इसको भी, इफ integrand contains if integrand contains inverse trigonometric function if integrand contains inverse trigonometric function or logarithmic function then think of bipartite। दोनों ब्रह्मास्त्र है इस रूल के लिए, इस पर्टिकुलर मेथड के लिए, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन देखना है तुम्हें, और मैंने जैसे बोला कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे इंटीग्रेशन में, इंडेफिनेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब एक काम करता हूं, पहले वो मैं शॉर्टकट वाला चीज डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना, उसके बाद सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो पॉज इट एंड कॉपी दिस मच पार्ट। तो मन में दो तीन बार बोलो डिससिमिलर फंक्शन हो तो बायपार्ट्स यूज करेंगे ज्यादातर, और अगर इंटीग्रेंड के अंदर लॉग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है देन आल्सो वी विल थिंक ऑफ बायपार्ट्स। थिंक मतलब सोचेंगे कि एक बार करके देखा नहीं आया तो ठीक है फिर और कोई सोचेंगे, बट ये चीज ऑब्जर्व करनी है। दो चीज इंपॉर्टेंट, टू थिंग्स टू ऑब्जर्व इन इंटीग्रेशन बायपार्ट्स, एक तो डिससिमिलर फंक्शन अगर है, डिसिमिलर से मेरा मतलब क्या है, अगेन एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है या फिर एक एक्सपोनेंशियल है उसके साथ कुछ इनवर्स डाल दिया, तब हमें बायपार्ट्स लगाना ही लगाना है, ठीक है। अच्छा अब मैं बोल रहा था शॉर्ट ट्रिक फॉर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जिसमें देखो स्पेशल कैटेगरी है। अगर मान लो इधर मेरा अलजेब्रिक लिखा है और इधर मेरा कोई और फंक्शन लिखा है, लेट्स से ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा है या एक्सपोनेंशियल लिखा है, इधर मैंने अलजेब्रिक लिखा है और अलजेब्रिक में भी कितना भी पावर लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स, लेट्स से ये लिखा है, ठीक है। चलो इसको भी और कॉम्प्लीकेट वो कर देते हैं, साइन थ्री एक्स डीएक्स, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर ये तो हम कर चुके, कर तो चुके
लेकिन हमने उधर क्या किया था, दो बार बायपास लगाया था, दो बार बायपास लगाया था, इधर भी लगाएंगे दो बार, ऐसा नहीं कि एक बार से काम चल जाएगा, बट इधर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा। कैसे, पहले हम वो फॉर्म लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, देखो दो तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर ये शॉर्टकट कब काम आएगा, जब मान लो ये वाला जो टर्म दे रखा है एल्जेब्रिक वाला, वो हायर डिग्री का दे रखा है, लेट से 5 डिग्री का दे रखा है, तो भाई उसमें तो हालत खराब हो जाएगी वैसे अगर लगाओगे, क्योंकि वो ब्रैकेट लिखना पड़ता है ना, उसमें मिस्टेक हो जाती है, चांसेस होते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के, बट अभी जो मैं बता रहा हूं उसमें कभी मिस्टेक नहीं होगा। क्या है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू, देखना क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, आया वहीं से है, वहीं से आया है इसका प्रूफ भी। अब मैं क्या लिखूंगा, अब क्या करते जाओ, ये तो मैंने, ये तो पहले जैसे ही हो गया जो हम बायपास से लिखते, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकंड, अब फॉरगेट अबाउट सेकंड टर्म, अब तुम कैसे लिखो, क्या करो, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लिखो एक तो, प्लस जो पहला ब्रैकेट है उसको डिफरेंशिएट करते जाओ, सेकंड ब्रैकेट को इंटीग्रेट करते जाओ। जैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन डैश इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, प्लस सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, इसको डिफरेंशिएट, कंटिन्यूअस करते जाओ, ऑल्टरनेट प्लस लगा, प्लस माइनस लगाते जाओ, कब तक, जब तक हमारा फर्स्ट का डेरिवेटिव खत्म नहीं होता, मतलब जब तक ये डेरिवेटिव खत्म नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, अब देखो पहले मैं इसको और लिख लेता हूं, ऑल्टरनेट प्लस, अब दो, अब क्या आएगा, इस वाले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, सेकंड का, सॉरी फर्स्ट का डबल डेरिवेटिव इनटू फिर इसका इंटीग्रेशन ऑफ आई एंड सो ऑन, अब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, कब तक लिखूंगा, टिल फर्स्ट वैनिशेस, टिल फर्स्ट वैनिशेस, जब वन खत्म हो जाएगा तब हम रुक जाएंगे। अब देखो इससे कितना आसान हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे इसी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, इस रूल से इसका फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और कभी भी ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट लगाओगे तो तुम्हारा इजी जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये सीधा का सीधा उठा के इस ब्रैकेट को मैं इधर रख दूंगा उसका डिफरेंशिएट करके, तो इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 3x बाय 3। मैंने क्या बोला, ब्रैकेट को मत छेड़ना, ब्रैकेट को ओपन मत करना, दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसका टर्म इधर नहीं जाना चाहिए, इस तभी इजी जाएगा। अब मैं लिखा माइनस, अब क्या करूं, इसका डेरिवेटिव, ब्रैकेट का ही डेरिवेटिव, क्योंकि इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 2x plus 2, अब इसी का इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने बोला ब्रैकेट को छेड़ना मत, डोंट ओपन द ब्रैकेट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन इज sin 3x by 3, तो माइनस sin 3x by 9, उसको भी ब्रैकेट में लिखो, माइनस sin 3x by 9 प्लस, और अब अगेन इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन विच इज 2x plus 2 का 2, अब इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x, तो माइनस कॉस 3x बाय 27, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 3x बाय 27। अब आगे बढ़े क्या, बिल्कुल नहीं, क्यों, अब जैसे ही इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव तुम अगले उसमें लिखोगे तो जीरो हो जाएगा, जैसे कॉस है, तो ये हो गया हमारा आंसर डायरेक्टली, क्लियर हुआ। तो ये स्पेशल केस हुआ थोड़ा, कि जब हमारा इधर प्योर एल्जेब्रिक दे रखा है, बट यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन मेंस, क्या करेगा वो, ये 3 डिग्री का दे देगा। तो अगर हम नॉर्मल प्रोसीजर से गए ना, नॉर्मल बायपार्ट लगाया, तो बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 3 बार बायपार्ट लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, लिख लेना ये, ठीक है, दिस इज शॉर्ट कट फॉर दैट, इस पे स्पेशली है कि वो बायपार्ट सम, ये कब लगा रहा है, जब वो पहला फंक्शन जो है ना वो एल्जेब्रिक है, क्योंकि वही खत्म होने वाला है ना, अगर मान लो वो खत्म, वो एल्जेब्रिक नहीं हुआ तो खत्म तो होगा ही ना आगे जाके। अब जैसे मैंने और ले लेते हैं, अब एक 3 डिग्री का ले लेते हैं, मैंने लिखा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू, अभी मैंने e साइन लिया था, मैं e की पावर 5x ले लेता हूं dx, मैंने बोला इधर चलेगा, इधर वही वाला फंक्शन चाहिए जो खत्म हो सके, तो देखो आप शॉर्टकट से कितना फास्ट आएगा देखना, एक ही लाइन में आ जाएगा बेसिकली आंसर तुम्हारा। कैसे, फर्स्ट फंक्शन तो ये लिखा मैंने एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, फर्स्ट फंक्शन ये पहला ब्रैकेट, अब सेकंड ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये हो गया e की पावर 5x बाय 5 माइनस, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना। अब क्या करें, अब बस क्वेश्चन को भूल गया, अब फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन, बस इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन इधर लिखो, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, डोंट ओपन द ब्रैकेट अभी, ठीक है ना, फाइनल स्टेप, इसके अगले स्टेप में ओपन भले कर दो, बट अभी मिक्स मत करते आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको करें हम e की पावर 5x, तो जाएगा e की पावर 5x, इसका इंटीग्रेशन करना बेसिकली, तो 5 ऑलरेडी, एक और 5 आ जाएगा, तो ये जाएगा 25,
बट अभी खत्म नहीं हुआ, ये मेरा जब तक खत्म नहीं होता जब तक मुझे करना है। अब माइनस हो गया, अब क्या करेंगे प्लस। अब अगेन इसका डेरिवेटिव 6x plus 4, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 25 into 5 125, माइनस इसका डेरिवेटिव विच इज 6 into इसका इंटीग्रेशन विच इज e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 625। अब खत्म हो जाएगा बिकॉज 6 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो यही चार टर्म आएंगे हमारे पास। क्लियर हुआ? तो सोचो अब सोचो कि ये इजी हुआ कि तुम इसको फर्स्ट फंक्शन मानते, इसको सेकंड फंक्शन, फिर बाय पार्ट्स लगाते, तो इसमें तो भाई 3 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ता, तो गलती होने की संभावना बहुत थी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ठीक है ना। 2 बार तक ठीक है, 2 बार तक बच्चे लोग कर लेते हैं, बट जैसे 3री बार लगाना होता है ना, तो फिर मिस्टेक्स होना चालू हो जाती है, ठीक है ना। इन जनरल बता रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं हो ही जाती है, ऐसा मत करना, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो लेट मी राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चलो मैंने लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू साइन ऑफ 7x dx, सेम कैटेगरी, कोई दिक्कत, कोई चेंज नहीं है, एल्जेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एल्जेब्रिक के खत्म होने वाला फंक्शन है, तो क्या करो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, मतलब वैसे करते हैं, बट अभी हम क्या करेंगे वो एक शॉर्टकट वाला। तो फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन मतलब x स्क्वायर माइनस 5x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इज माइनस cos 7x / 7, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव, अब पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव व्हिच इज 2x - 5, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस 7 cos 7x का माइनस sin 7x माइनस sin 7x डिवाइड बाय 7 इनटू 7 49, फिर अभी खत्म नहीं हुआ ये, इसका डिफरेंशियल एक बार और आ जाएगा, फिर पॉजिटिव 2x माइनस 5 का 2, इसका इंटीग्रेशन तो sin 7x का माइनस cos 7x का माइनस माइनस प्लस, तो cos 7x डिवाइड बाय 7 इनटू 49 कर लेना इसको, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्लिक हुआ? चलो और आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 10x इंटू sec स्क्वायर x dx। चलो इसको थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ये भी ठीक क्वेश्चन है, मतलब है तो इजी बट कुछ सीखने वाला है, थोड़ा सा एक पॉइंट है इसमें, पहले तुम लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, एक बार ट्राई करो, तो मैं इसको बता रहा हूं। तो देखो कहने का मतलब ये पक्की बात है कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि दिखने में तो ये बल्कि लग रहा है, बल्कि तो नहीं है, हालांकि सिंपल ही है, बट क्या करो जब भी तुम्हें इस टाइप का कोई चीज मिले, फर्स्ट फंक्शन एक तो क्या है कि अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड टेबल में से है तो ठीक है, हम डायरेक्टली प्रोसीड करेंगे, अगर मान लो स्टैंडर्ड टेबल में से नहीं है तो हम क्या करेंगे अलग से इसका इंटीग्रेशन निकाल के पहले कैलकुलेट कर लेंगे, कभी भी इसके अंदर नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, समझ में आया, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेट करोगे तो हमने क्या किया बेसिकली, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर इस टाइप का सिनेरियो होगा तो हम इस फंक्शन को अलग से इंटीग्रेट करके रख लेंगे, सो दैट फिर हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन उधर ब्रैकेट में लिख लें, समझ में आ रहा है। तो देखो क्या किया, इसको हमने अलग से इंटीग्रेट किया 10x इंटू sec स्क्वायर, देखना अभी भी इसमें भी एक छोटी सी सीखने वाली चीज है। अब देखो इसका भी जो इंटीग्रेशन है ना, हम दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे देखना, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब देखो इसमें क्या है, एक तरीका तो क्या है कि जैसे dx के साथ तुम्हें क्या दिख रहा है sec स्क्वायर x, अब वो किसका डेरिवेटिव होता है 10x का, तो बचा हुआ फंक्शन 10x में लिखा है, हाँ लिखा है, तो सिंपल मैं क्या करूं 10x को t पुट करके, 10x इज इक्वल टू t पुट करके ये हो गया t dt, है ना, 10x sec स्क्वायर x dx dt हो गया, ये t dt हो गया, ये हो गया t स्क्वायर / 2 व्हिच इज 10 स्क्वायर x / 2, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अच्छा अब मैंने बोला एक और तरीका इसका क्या है, मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x 10x, अब इसमें dx के साथ क्या दिख रहा है sec x dx, तो मैं क्या करूं वो किसका डेरिवेटिव है sec x का, तो इधर मैं क्या करूं sec x को t पुट कर देता हूं, sec x इज इक्वल टू t, तो मेरा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा t dt, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब बताओ कौन सा प्रेफर करूं, अच्छा एक चीज और मैंने अगर बोली नहीं हो तो
जब भी हम बायपास लगा रहे हैं तो जो सेकंड इंटीग्रेशन लगा रहे हैं ना, जैसे इंटीग्रेशन के अंदर ये भी तुम लोगों से किसी का क्वेश्चन हो सकता था, बट मैं पहले ही बोल देता हूं, जब जैसे हमने लगाया फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, सेकंड डीएक्स, ये होल डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट मत लिखना, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट मत लिखना, वो फाइनली हम जो भी आंसर आएगा फाइनल लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है, तो बहुत सोच चुका आ सकता था ये डाउट, तो मैंने कहा बता देता हूं। हाँ, तो क्या करें अब हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है ना, मैंने बोला कि हमारे पास ऑप्शन था कि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे, बट विच इज प्रेफरेबल, दोनों से हो जाएगा पक्का, बट विच इज प्रेफरेबल, सोचो एक मिनट के लिए, एक्स स्क्वायर है इधर, तो ये पक्की बात है कि इधर हमें दो बार डिफरेंशिएट, दो बार बायपास लगाना पड़ेगा, या फिर शॉर्टकट से बोले तो दो शॉर्टकट में भी इस फंक्शन को हमें दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पहले एक बार इसका इंटीग्रेशन, फिर जो ब्रैकेट आएगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन लगेगा। कहने का मेरा मतलब है, अगर मैं इसको लिखूं फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, एक तो बच्चा ऐसे लिखेगा, फिर माइनस, और एक बच्चा ऐसे लिखेगा एक्स स्क्वायर इंटू sec square x by 2 first function integration minus अब इधर first का derivative which is 2x into इसका integration और एक बच्चा लिखेगा इधर 2x into integration of second इसका, तो अब बताओ अब शायद क्लिक कर गया हो, which is preferable, preferable is sec square x dx because that is in standard table, ठीक है, tan square x का निकाल लेते हैं हम sec square x minus 1 करके, बट अगर मैंने बोला कि ऑप्शन है मेरे पास तो विच इज प्रेफरेबल, ऑफ कोर्स दिस, बिकॉज दिस इज इन द स्टैंडर्ड टेबल एंड वी हैव टू इंटीग्रेट इट अगेन, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है, दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, तो इसलिए हम इसको प्रेफर करेंगे, तो आई विल राइट इट हियर इंस्टेड ऑफ दिस आई विल प्रेफर दिस वन, तो ये मैं प्रेफर नहीं करूंगा, दिस आई विल प्रेफर, तो कुछ ना कुछ सीखने मिला इस छोटी सी बात से, ठीक है ना, हम फर्स्ट तो जो इंटीग्रेट भी कर रहे हैं उसमें भी हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि भाई हम यही करेंगे, द रीजन इज क्लियर हियर, तो अब मैं क्या करूं, सेकंड स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाय टू, देखो इधर भी करते तो क्या करते, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन करके क्या लिखते, टेन एक्स बाय टू माइनस एक्स बाय टू, देखो ये आता टेन स्क्वायर एक्स का करते सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सॉरी टेन स्क्वायर एक्स को लिखते सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स माइनस एक्स होल डिवाइड बाय टू, वो लिखा है, बट इधर इतना ही आता, और कोई बोलेगा सर कि बराबर कैसे हो सकते हैं, होंगे बराबर, वो कैसे फर्क पड़ेगा जब तुम अभी आगे भी लिखोगे ना इसका, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका एक और पार्ट आएगा प्लस टू का टू एक्स का डेरिवेटिव टू, अब इसका इंटीग्रेशन, तो वो कंपेंशेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत से अच्छों को लग रहा होगा कि सर टू एक्स इंटू टेन एक्स बाय टू इधर भी आया, बट इधर तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई प्लस एक्स स्क्वायर, वो इधर तो नहीं आई, तो गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ नहीं हुआ है एक्चुअली, वन वो सेम चीज है, तुम लोग खुद से वेरीफाई कर लेना एक बार, वो सेकंड टर्म विल टेक केयर ऑफ दैट टर्म, जो सेकंड पार्ट होगा ना इसका इंटीग्रेशन का, दैट विल टेक केयर ऑफ दैट एक्स स्क्वायर टर्म, क्लियर है, तो अब मैं इधर क्या लिखूंगा, देखना इधर मैंने लिखा हाँ टेन एक्स बाय टू का इंटीग्रेशन, अब टेन एक्स बाय टू क्या है, अगेन स्टैंडर्ड टेबल में हमारा एल एन सेक एक्स, तो वन बाय टू, तो ये लिखा ही है ln sec x plus c, ठीक है, अब खुद सोचो देखो कैसे कैसे होता है, जब इसका तुम इसका चलो तुम इसका इधर इधर ही प्रोसीड करते हो, तो लिख ही देता हूं, पूरा कर ही देता हूं, 2x का डेरिवेटिव इज 2, अब जब तुम इसका इंटीग्रेशन लिखते तो इसके tan x by 2 के चलते तो यही चीज आ जाती जो मेरी इधर आई है 1 by 2 ln sec x, अब माइनस एक्स बाय टू के कारण क्या होता मेरा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता, एक मिनट, ठीक है, क्या होता मेरा, एक मिनट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 बाय 2 ln sec x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, सो नाउ यू विल वेरीफाई कि दोनों चीजें एकदम एग्जैक्टली सेम आती, ठीक है ना, आ रही है क्या, 2 का टर्म का देख लेना, 2 का टर्म का दोनों चीज सेम आएंगे, एक बार तुम वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना, कहने का मतलब, बट अल्टीमेटली मेरे को सीखने क्या मिला इससे कि हम इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा पहला टॉपिक है, बाकी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है ना, दो कैटेगरी और रहती है इसमें, ठीक है, तो बट आज का लेक्चर मैंने जैसे बोला तुमसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब अति इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें आज फील आ जानी चाहिए जो मैंने टर्म जो चीजें वर्ड्स यूज किए वो चीज तुम्हें एकदम दिमाग में बिठाना है, ठीक है ना, कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने सेकंड, एक तो रूल है हाईलाइट वाला, बट उसको छोड़ के ही मैंने कैसे बोला कि हम फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे जो खत्म होने के चांसेस हो जिसके,
ठीक है ना। और जो भी हमने आज किए दैट इज कैटेगरी वन क्वेश्चन, अभी दो कैटेगरी और बची है तो उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, दैट्स इट, थैंक यू।